आज हम MNJ कैंसर हॉस्पिटल, MNJ का मतलब फुल फॉर्म जो है मेहदी नवाज जंग, ये सबसे फेमस हॉस्पिटल है कैंसर का तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश था पूरे हिंदुस्तान में सबसे मशहूर हॉस्पिटल है। इसके ताल्लुक से ये एक 700 बेडेड हॉस्पिटल है और आज हमारा दौरा है यहाँ पर। आपके और हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब का डायरेक्शन था कि आप जाकर हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और रही बात नामपल्ली के अंदर दो अहम हॉस्पिटल्स है, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक नीलोफर हॉस्पिटल, सारी दुनिया में फेमस हॉस्पिटल्स है ये। और जब हम आकर यहाँ पर देखें और हमारी पेशेंटों से बात हुई और हर एक पेशेंट यहाँ के सुप्रिटेंडेंट जयलता मैडम और यहाँ के पूरे डॉक्टर्स और स्टाफ, हर किसी के ताल्लुक से इतना अच्छा बात कर रहे हैं। और कई पेशेंट्स पलट के ये बात बोले कि अल्लाह के बाद अगर से कोई है तो ये डॉक्टर्स है, और कोई अगर से अल्लाह के बंदे है तो ये डॉक्टर्स है, ये नर्सेस है, यहाँ का स्टाफ है। तो ये बात सुनकर हम सबको बड़ी खुशी हुई कि पेशेंट तकलीफ में है मगर ये हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बेलोस काम कर रहा। और रही बात कैंसर हॉस्पिटल में, मैं जब हर एक पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई तो हर पेशेंट तकलीफ में है मगर एक होप है, एक उम्मीद है कि हम ये हॉस्पिटल से सेहतमंद होके जाएंगे। आप सबको एक नसीहत है जो मैं पूरे पेशेंटों से बात करे बाद, पहले से मेरे को इलम था मगर आज ज्यादा हो गया। और 10 पेशेंट जो आ रहे उसके अंदर से 8 पेशेंट गुटखा खाने वाले हैं, टोबैको लेने वाले हैं। मेहरबानी करके पूरी आवाम ये गुटखा, टोबैको, ये पान, ये जर्दे के पान थोड़े सर के खुशी के लिए, सुकून के लिए आप लोग खा रहे हैं। आपकी जिंदगी ये मोड़ पे आ जा रही मगर उससे ज्यादा उनके बाजू खड़े के जब उनकी बीवी, उनकी मां, उनके वालिद, उनका भाई, उनका बेटा या बेटी जो तकलीफ झेल रही पेशेंटों की तकलीफ से ज्यादा है। सो कैंसर को रोकना है तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। कैंसर को रोकना है सबसे अर्ली चीज है डिटेक्शन। और मेरे ख्वातीन, मेरे मां बहन बेटियों को मैं गुजारिश करता हूं, आप शर्माइए मत, आप घबराइए मत। आपको जैसा सिम्टम आते आप घबरा जाते, आप ये समझते हमारी खानदान में इज्जत चली जाती, समाज में इज्जत चली जाती। अगर से मैं मेरा मर्ज बता दूंगी तो पूरी घर की आमदनी मेरे मर्ज पे लग जाती, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। ये जो मेरे मां और बहनों की फिक्र है इससे आप निकल के आइए मेहरबानी करके। अगर से फर्स्ट स्टेज के अंदर आप कैंसर को डिटेक्ट कर देंगे तो ऐसे बेहतरीन हॉस्पिटल जो मेरे सामने है MNJ हॉस्पिटल, और ऐसे बेहतरीन सुप्रिटेंडेंट और ऐसा स्टाफ और ऐसे डॉक्टर्स और ये हुकूमत पूरे मिलके आपको वापस सेहतमंद बना देंगे। मेहरबानी करके आप लोग सामने आइए, जिंदगी है, आ जाती किसको भी, आ गया तो उसको क्योर है। हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे पास ऐसे नर्सा है, ऐसा स्टाफ है, और ये गवर्नमेंट की नीयत है कि हर एक कोई जो बीमार है उसको सेहतमंद बनाना है। जब तक हम सेहतमंद नहीं बनाएंगे तो तेलंगाना तगड़ा नहीं होगा, हिंदुस्तान तगड़ा नहीं होगा, इंसानियत मजबूत नहीं होगी। तो आज जब मैं ये हॉस्पिटल में आया, मैडम चीजें बताएं, गार्बेज का प्रॉब्लम है, दीवार का प्रॉब्लम है, इसको इमीडिएटली हमारे कमिश्नर साहब को मैं बोलूंगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर, हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। चोरियों का प्रॉब्लम था, प्रोफेशनल चोरा आ रहे, बैगा उठा के ले जा रहे, बैगों में से पैसे निकाल दे रहे। मैं इमीडिएटली एसीबी से बात करा, इंस्पेक्टर से बात करा, हॉस्पिटल को बुला लिया, इमीडिएटली रोज पेट्रोलिंग होंगी, एक पिकेट लगाओ बोल के मैं बोला, मफ्ती में कांस्टेबलों को रखो बोला, वुमेन पुलिस को रखो बोला, और एक एक लाइट का मसला बोले कि जब ऑपरेशन हो रहा लाइट चले जा रही, डायरेक्ट कनेक्शन होना बोल के हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम जयललिता मैडम हमारे सामने रखे। मैं ये बात मुख्यमंत्री को बोलूंगा, दो दिन में मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, आज मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कल रात में या सुबह में आएंगे, मेरी मुलाकात होंगी और मैं बराबर ये मसला हमारे मुख्यमंत्री को बोलूंगा। नामपल्ली हैदराबाद का दिल है और MNJ हॉस्पिटल जो एक सदियों से काम कर रहा, यह हैदराबाद का दिल है, इसमें लाइट कंटिन्यूस आने का। और मिनिस्टर साहब हमारे बाजुक नीलोफर हॉस्पिटल आ रहे, 1 वीक के बाद न्यू ब्लॉक ओपनिंग है नीलोफर में, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर मिनिस्टर साहब का हाथ पकड़ूंगा, यह हॉस्पिटल को लेके आऊंगा, और जो भी बचे हुए कामा है बराबर मिनिस्टर साहब से फंड लाऊंगा, मुख्यमंत्री साहब के पास से लाऊंगा, और बराबर ये हॉस्पिटल को हम बराबर मदद करेंगे। और जो कुछ भी काम चल रहा, फिर से एक टाइम सुप्रिटेंडेंट मैडम से पूरे स्टाफ तक सबको, फिरोज खान को सब जने सलाम करते, आज फिरोज खान इनको सलाम कर रहा, राइट। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।